है? क्या कौन कौन कौन? ये सुनिए, इनकी भाषा सुनिए, ये भागते हुए देखिए इन्हें भागते हुए। हाँ क्या बोले? ये पीछे अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि दिल्ली की बड़ा पाव गर्ल हो चुकी है अरेस्ट। दरअसल ये न्यूज साउथ दिल्ली की है, जहां पे बड़ा पाव गर्ल ने इलीगल तरीके से स्टॉल लगाकर वो अपना बड़ा पाव बेचती थी, लेकिन एमसीडी के नोटिस आने के बाद भी वो अपना जगह खाली करने के लिए तैयार न हुई। बहन जो कॉफी के नाम पे इसमें थोड़ा दूध ही मिला देता, गर्म पानी उबाल के दे दिया है, और इसी कारण से आज वो तिहार जेल में चक्की पीस रही है। आज दिल्ली में भारी बारिश की संभावना है, इसलिए घर से निकले तो छतरी साथ में लेके निकले। छतरी मतलब छाता, वो वाली छतरी नहीं। और आज का न्यूनतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस। उसने की सारे आदमी कांग्रेस पार्टी का आदमी निकला, कल नहीं निकला। आजकल फिर बड़ा पाव वाली दीदी चर्चे में है। इतना चर्चा तो यार मुंबई का बड़ा पाव नहीं हुआ जितना ये साउथ दिल्ली की दीदी हुई है। इनके कारण से उस एरिया का जितने भी बड़ा दुकानदार था वो अपना दुकान को छोड़ के बड़ा पाव स्टोर लगाना शुरू कर दिया। यार इतना ज्यादा कमाई बड़ा पाव में कैसे? और इसी कारण से उस एरिया का नाम ही बड़ा पाव गली पड़ गया। क्या बात है? दरअसल हुआ ऐसे कि एमसीडी के लाख मना करने के बाद भी वो अपना स्टॉल हटाने के लिए रेडी नहीं हुई। बाद में भाई उसको अरेस्ट करना पड़ा। अच्छा भाई ये सब हम लोगों को क्यों झेलना पड़ रहा है? सिर्फ एक प्राणी की वजह से, उसका नाम है फूड ब्लॉगर। ये जो फूड ब्लॉगर होते हैं, न जाने इनको कौन से कीड़े काटा होता है जो इन जैसे प्राणी को हम लोगों के बीच खड़ा कर देता है। पहले आया था बाबा का ढाबा, जिसे एक फूड ब्लॉगर ने उसे रातों रात वायरल करवा दिया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? वो अपना ठेला छोड़ के रेस्टोरेंट खोल लिया और पब्लिक के सर पे चढ़ के मूतना चाह। लेकिन पब्लिक ने भाई साहब ऐसा लात मारा कि वो अपना रेस्टोरेंट से फिर से ठेले पे आ गया। हमने तो आपकी बहुत वीडियो देखी है 5-6 साल पहले, पर आपने गलत देखा है। गलत देखे? हाँ गलत, लग रहा कोई और की देख लिया। बाबा तुम ही थे वो वीडियो में? तो नहीं बुरा, मेरा भाई है वो। लेकिन अब बारी है इस मैडम की। कैसे ट्रीट करा जा रहा था? मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बस पहुंचने में लेट हुई हूँ मैं वहाँ पे। तबीयत खराब है मैं, मेरी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, मुझे खांसी हो रही है, कब जम रहा है, मैं सो रही थी। हार्ट बीट तो अब पब्लिक का बढ़ा चुकी हो, ये अनहाइजेनिक बड़ा पाव खिला खिला। एक रिपोर्टर ने इनके पति से ऐसा पूछ दिया कि आप बड़ा पाव के रेडी क्यों लगाते हो? तो इनके पति का कहना है कि मेरे पास भाई साहब पैसे नहीं है। और लोगों का कहना है कि अगर इनके पास पैसे नहीं होते तो इनकी पत्नी आईफोन 14 प्रो मैक्स लेके घूमती। चाचा समझा करो, सच्ची में पैसे नहीं है। न्यूज ये भी आ रहा है कि बड़ा पाव गर्ल को बेल कराने के लिए हल्का भाई आगे आया है। बेल कराने से कुछ याद आया है भाई, मेरे साथ भी एक एक्सीडेंट हुआ है, सोचा मैं आपको बता दूं। दरअसल हुआ ऐसे कि मेरे साथ पढ़ने वाला एक दोस्त मुझे रात को कॉल करता है और मुझे बोलता है कि भाई किसी से मुझे 6,000 रुपये लेना है, तुम जाओ उससे 6,000 रुपये लेकर तुम मुझे कल क्लास में दे देना। तो मैंने उनसे बोला कि भाई अभी रात ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं कल क्लास आऊंगा तो रास्ते में उनसे पैसे ले लूंगा और फिर तुम्हें आकर पैसे दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन भाई कल मैं जैसे ही उनसे पैसे लेने गया और उनसे बात ही कर रहा था कि पीछे से पुलिस वाला आकर मुझे ऐसे पीछे से पकड़ कर डायरेक्ट मुझे गाड़ी में बैठा लिया। मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तभी पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि तुम इस लड़के को जानते कैसे हो? भाई मैं उस लड़के का नाम नहीं ले सकता एज ए प्राइवेसी रीजन। तो मैंने उस पुलिस वालों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि सर हम और वो लड़का दोनों साथ में क्लास में पढ़ते हैं, इससे ज्यादा सर मैं नहीं जानता उसको। उसने बोला था कि एक दोस्त से पैसे लेके आना है, तुम उससे कल पैसे लेके आ जाना। फिर पुलिस वाले ने उस लड़के के बारे में मुझे बताया तो भाई मैं उस बात को सुनकर एकदम से शौक में आ गया। जो लड़का मेरे साथ पढ़ता था भाई साहब, वो साइबर क्राइम करता था और इस क्राइम में अब मैं भी फंस चुका था। ऐसा भी करके मैं उस पुलिस वालों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि सर मुझे और इससे इस काम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ पुलिस वाले भाई साहब अच्छे भी होते हैं, जो किसी की मजबूरी भी समझते हैं। फिर पुलिस वाले ने मेरे साथ स्कूल पहुंचा और वहां से उस बंदे को पहले अरेस्ट किया, फिर भाई मुझे रिलीज कर दिया। इसीलिए भाई किसी पर जल्दी ट्रस्ट मत करना जिसे तुम अच्छे से जानते नहीं हो। बट यार वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन हाँ ये मेरी रियल कहानी है, कोई जोक नहीं है भाई, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये मेरे साथ घटना हुआ है। और हाँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पे हो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yes, she hates me now. I'm in the
mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.